नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्यम सोलर आटा चक्की पे आप लोगों का। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था पिछले वीडियो में कि ग्रैंड मास्टर का पत्थर खराब होता है, उखड़ जाता है। दोस्तों, इसमें गलती हमारी होती है, कंपनी के ऊपर हम लोग क्लेम कर देते हैं। ऐसा है कि हम लोग ज़्यादातर साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, उसका मेंटेनेंस सही से नहीं करते दोस्तों। और ये भी होता है कि हम अगर टकाई अच्छे से नहीं करेंगे तो उसमें भी होता है कि आटा जब ज़्यादा पिसाई बारीक आने लगता है, गीला आने लगता है, तो उस दौरान पत्थर ज़्यादा हीट हो जाता है और ज़्यादा हीट होने के कारण दोस्तों पत्थर फट जाता है और उखड़ता है दोस्तों। तो ये जो भाई बोल रहे थे कि ग्रैंड मास्टर का पत्थर ख़राब होता है, वैसा नहीं है। आज हमारा पत्थर लगभग 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीने से मैं ये पत्थर यूज़ किया हूँ, आज तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि हम बार बार इसको खोल के अच्छे से सफाई और टकाई भी अच्छे से करता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि हम टकाई का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमें कैसे टकाई करना है और उसका गैस ताकि पत्थर के अंदर ना बने। पत्थर के अंदर दोस्तों गैस भी बनता है, अगर एयर अच्छे से नहीं बनेगा पत्थर के अंदर तो गैस भी बनता है, और गैस के कारण से भी ऐसा हो सकता है कि आपका पत्थर फट जाए या फिर उखड़ा उखड़ा हो जाए। दोस्तों, ये पत्थर हमने आज 4 महीने से यूज़ कर रहे हैं, 4 महीने से लगभग हमने ये पत्थर को जब यूज़ किया है तो आज हम इसका रिव्यू आपको दे रहे हैं कि ये पत्थर बहुत ही अच्छा पत्थर है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, दिक्कत अगर किन्हीं का भाई को आया होगा तो वो अपना टकाई करने का अगर नहीं सही से टकाई किए होंगे या फिर उसका रखरखाव सही से नहीं किए होंगे, इस कारण से हो सकता है। जैसे दोस्तों, ऐसा भी होता है कि जो हमारा पैक वाला जो चक्की होता है, जो चक्की हम यूज कर रहे हैं, ऐसा चक्की में क्या होता है दिक्कत कि बहुत सारा माल अंदर फंस जाता है और धीरे धीरे गीला होने लगता है। जो साइड साइड पत्थर का साइड साइड आप जगह देख रहे हैं, इसमें माल चिपक जाता है, जिससे क्या होता है कि वो पत्थर को धीरे धीरे नमी देता है दोस्तों। क्योंकि आप जब पिसाई कीजिएगा तो पत्थर हीट होती है, धीरे धीरे हीट होता चला जाता है, और जो साइड साइड में जो कचरा जमा रहता है, उस कचरे से क्या होता है कि पत्थर को पानी का अंश मिलता है, नमी मिलता है। तो जब उसको नमी मिलेगा तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि एकाएक जब हीट हुआ चीज़ को नमी मिल रहा है तो वो फटेगा, और ये पत्थर है तो पत्थर को फटना स्वाभाविक है। दोस्तों, इस तरह से देखिए, खड़ा धार आपको अवश्य बनाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ताकि ऐसा खड़ा धार आप बनाइएगा तो इससे फ़ायदा क्या है कि यहाँ धार जो होता है वो पूरा खड़ा हो जाता है, जिससे उसके अंदर अच्छे से एयर बनता है, और अच्छे से एयर बनने के कारण आटा जो होता है वो भी गर्म नहीं होता है। दूसरा है कि पत्थर भी ज़्यादा गर्म नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरह से देखिए टकाई कीजिएगा, देखिए कितना साफ़ सुथरा टकाई है दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा एक सरीखा टकाई होता है दोस्तों, ताकि पत्थर में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। आज हमारे पत्थर को देखिए, किसी तरह का कोई भी दाग नहीं है पत्थर में दोस्तों, आप देख सकते हैं पत्थर में 4 महीने में कोई तरह का दाग नहीं है, नहीं फटने का शिकायत है, नहीं किसी तरह उखड़ने का शिकायत है। दोस्तों, हमारा जो चैनल पे आप लोग को वीडियो मिलता है वो ज़्यादातर हमारा अनुभव का वीडियो होता है दोस्तों, क्योंकि हम उसमें हमारा जब अनुभव होता है तो स्वाभाविक सी चीज़ है, आपको किसी तरह का ठकने का सवाल नहीं होता है दोस्तों इसमें, क्योंकि हम भी अपने स्तर से इसको अच्छे से जांच परख के वीडियो बनाते हैं, ताकि हमारे दोस्त भाई जो भी हैं, जो चक्की चलाते हैं, वो हमारे जैसे ही हैं, तो उनके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो। अगर हमारे साथ किसी तरह का फ्रॉड हो जाता है तो वो भी हम आप लोगों को बीच में शेयर करते हैं कि दोस्तों इस चक्की का पत्थर आप ना लें, ऐसा कंपनी का पत्थर ना लें ताकि आपको दिक्कत हो। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताए हुए, हमारे चैनल पे भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ग्रैंड कूल का जो पत्थर था दोस्तों, इसमें पत्थर तो अच्छी थी बट उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होती थी कि अगर आप दर्रा वगैरह पीसते थे, दर्रा दलिया बनाते थे या फिर चोकर बनाते थे, जैसे मक्का उक्का का हमारे यहाँ पे आ जाता है तो वो हार्ड प्रोडक्ट है, इस वजह से उसमें क्या होता है कि जब मक्का का दर्रा बनाते थे या फिर चोकर बनाते थे तो वो क्या उसके बीच में उसका जो पत्थर का है वो घिस जाता था, और वो कि पत्थर में दाग हो जाता था, दाग होने के कारण फिर आटा मोटा देने लगता था,
बाकी बात वो भी पत्थर खराब नहीं पत्थर नहीं है, वो भी पत्थर अच्छा है केवल लेकिन गेहूँ पिसाई के लिए दोस्तों। तो हमें ये पत्थर का भी अनुभव था, ग्रैंड मास्टर का भी। तो ग्रैंड मास्टर हम काला पत्थर भी पहले लाल पत्थर भी यूज़ किए थे और अब मैं काला पत्थर लाया था, तो ये भी देख रहा था, इसका भी रिव्यू देख रहे थे कि ये पत्थर कैसा है। दोस्तों हम ज़्यादातर टेस्टेड करते रहते हैं उस पर कि कौन सा पत्थर अच्छा है कौन सा पत्थर ख़राब है। हमने बहुत सारे कंपनियों का पत्थर यूज़ किए हैं जो हमारे नियर बाय मिलते हैं, और कोई कोई पत्थर नहीं भी मिलते हैं तो उसको बाहर से मंगवाते हैं। जैसे ये ग्रैंड मास्टर का पत्थर है वो हमें यहाँ पे लोकल में हमारे यहाँ नहीं मिलता है, तो हम इसको ऑर्डर दे करके मंगवाए थे राजस्थान से, राजस्थान का पत्थर है ये, तो वहाँ से मंगवाए थे ऑर्डर करके दोस्तों। और ये पत्थर का भी रिव्यू अच्छा मिला, और इसमें हमारा जब दलिया वलिया बनाते हैं तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। आज हमको 4 महीने से इस पत्थर को यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये बहुत हार्ड पत्थर है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये जल्दी घिसता नहीं है। लेकिन साफ़ सफाई आपको सप्ते में करते रहना होगा ताकि पत्थर को गर्म ज़्यादा ना हो सके और पत्थर को नमी ना मिले। साइड साइड में जो कचरा चिपकता है चक्की में, उस कचड़े को ज़्यादातर आपको साफ़ सफाई करना दोस्तों। देखिए इस तरह सा टकाई कीजिए, देखिए आप देख सकते हैं। और ये जो धार है दोस्तों, ये जो धार है इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये नाले और ये धार को आपको खड़ा रखना है, ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा। खड़ा रहने से क्या होगा, जब धार खड़ा रखिएगा तो एयर बनेगा, एयर बनेगा जब, तो वो एक चक्की भी गर्म नहीं होगी और आपका आटा भी गर्म नहीं होगा। ये धार हमेशा खड़ा रखिएगा और सीधा रखिएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें तो और देख ले सकते हैं कि आपको जो भी मेरा धार है, देखिए सब धार लगभग खड़ा खड़ा है दोस्तों। इस तरह से टकाई करें, अच्छी टकाई करें, दोनों चक्की हमने टाँक दिए हैं आप देख सकते हैं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और लाइक करें। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।